सुबह 8 बजे से आज वोटों की गिनती जब से शुरू हुई है 3.5 घंटे का वक्त हो गया है और कांग्रेस के खेमे में जहां खुशी की लहर है, बीजेपी अब भी इंतजार कर रही है कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण मिले। लेकिन तीनों राज्य बीजेपी के हाथ से निकलकर कांग्रेस की झोली में जाते हुए दिख रहे हैं। बुलेट की रफ्तार से अब तक के रुझानों को जानने के लिए चलते हैं चित्रा के पास। नेहा, देखिए लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश के, और इसी वजह से बुलेट की रफ्तार से अपने दर्शकों को बदलते हुए आंकड़े हम दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। देश के दिल में, बिल्कुल बीच में है ये राज्य और यहां पर आते हैं कुल 230 राजस्थान। चलिए मध्य प्रदेश की हम बात करें, लेकिन राजस्थान की बुलेट ट्रेन पहले आ गई है, तो इसलिए बात राजस्थान की। देखिए कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा, जो उसको चाहिए सरकार बनाने के लिए, उसको टच कर लिया है। बीजेपी 79 पर ही सिमट गई है, अन्य के पास 20 सीटें। राजस्थान के 199 पर चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी 100 के आंकड़े को, और सबसे पहले राजस्थान की ये बुलेट ट्रेन सामने आई जिसने अपने आंकड़े रखे हैं सामने। कांग्रेस के लिए अच्छे दिन राजस्थान में, 5 सालों में वहां पर सत्ता बदल जाती है और वही तस्वीर राजस्थान में हमें देखने को भी मिली है। और अब बुलेट ट्रेन का इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं अगली ट्रेन कहां से आ रही है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या किसी और राज्य से। और ये अगली बुलेट ट्रेन आ गई और अपने साथ लेकर आई है मध्य प्रदेश के आंकड़े। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें और यहां पर कांग्रेस पार्टी 116 चाहिए बहुमत के लिए, 117 कांग्रेस पार्टी बहुमत से एक ज्यादा। हालांकि आपको बता दें लगातार ये आंकड़े बदल रहे हैं, कभी 112, कभी 114, कभी 116, अभी 117 पर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एमपी में सरकार बनाने में कांग्रेस पूरी तरह से कामयाब रहेगी। शायद यही वजह है कि जश्न का माहौल भी कांग्रेसी खेमे में शुरू हो गया है। तो अब तक की बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर ये कह रही है कि बीजेपी के हाथ से ये तीनों ही बड़े राज्य जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास आ रहे हैं। आज ही की तारीख में 1 साल पहले अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी और जाहिर तौर पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा तोहफा 3 बड़े राज्यों में जीत के साथ, ऐसा लग रहा है, राहुल गांधी को दिया है। नेहा, और ये जो डायरेक्ट फाइट हुई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इन 3 राज्यों में, आज के दिन कांग्रेस पार्टी विजयी होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 117 सीट का आंकड़ा पहुंच गया, 116 बहुमत है, यानी वहां पर रुझानों में एक बार फिर से बहुमत से आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में भी बहुमत के मार्ग को छू लिया है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 57 रुझानों में आगे होते हुए वैसे ही वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है, अभी हमने सचिन पायलट को सुना, मुख्यमंत्री के मुद्दे पर वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा राहुल गांधी इस बात का फैसला करेंगे, पर कहा जा रहा था कि 120 सीट आने पर सचिन पायलट ऑटोमेटिक चेहरा मुख्यमंत्री का राजस्थान में। अब जब मामला 100 उससे नीचे थोड़ा फंस गया, फिर किस तरह की दावेदारी होगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि 100, अगर 105 तक कांग्रेस की सीटें आई तो फिर अशोक गहलोत की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था जब कांग्रेस की 96 सीटें आई थी और तब कुछ और अन्य दावेदार भी थे, तब अशोक गहलोत ने बड़ी चतुराई से कहा था कि विधायक से की वोटिंग करा लो, और विधायकों की वोटिंग में 96 में से करीब 80 विधायकों ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया था। वो इतिहास दोहराया जा सकता है। देखिए, बड़े दिलचस्प ये नतीजे जो है ये होने वाले हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।